गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, इसका नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलन आपका। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिंक है वो मतलब क्लास 11th के जो आपके ट्रिग्नोमेट्री थी आपका त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर था उससे पूरा का पूरा लिंक है, मतलब उसका उल्टा है, मतलब प्रतिलोम है, विपरीत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिलोम वर्तीय फलन क्या होता है। तो कहने का मतलब साइन थीटा बराबर एक्स है, कोई भी वैल्यू भी है, साइन थीटा बराबर क्या है एक्स है, कोई भी मान है, तो थीटा बराबर आपका क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इस साइन इनवर्स एक्स को ही क्या बोला जाता है प्रतिलोम वर्तीय फलन बोला जाता है, यानी क्षय के क्षय के लिए लागू ये चीज कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे बात आती है इसकी, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, मतलब थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जबकि ये साइन थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक संख्या को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब जैसे साइन 30 है, साइन 30 का मान कितना होता है, एक बटे दो होता है, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा मतलब किसके बराबर आई है, एक संख्या के बराबर आई है, एक मान आया इसका। इसी तरीके से देखा जाए तो 30 बराबर साइन इनवर्स एक बटे दो, यानी कि ये क्या किसके बराबर मान आया है, एक कोण के बराबर आया है। तो साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन थीटा है वो किसको व्यक्त करता है, एक संख्या को व्यक्त करता है। अब क्षय के ये टैन के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, सब के लिए लागू है। अब प्रतिलोम वर्तीय फलन आ गए, मतलब प्रतिलोम नाम हो गया इसका, तो इसके प्रतिलोम के लिए क्या होना चाहिए, फलन आपका क्या होना चाहिए, एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए। तो इनको एक एक ही आच्छादक बनाने के लिए इनके प्रांत और परिसर की जो सीमा है वो क्या कर दी, फिक्स कर दी। क्यों, अपने पूरे प्रांत में या परिसर में तो ये मतलब क्या है एक एक ही आच्छादक नहीं होते, तो इनके क्या कर दी बाउंड्री फिक्स कर दी, जिससे इस बाउंड्री में ये फलन क्या होंगे एक एक ही आच्छादक होंगे, और इसी बाउंड्री में इनका क्या होगा आपका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो साइन का, कोस का, टैन का, इनके आपको प्रांत परिसर मालूम होने चाहिए, आगे भी नॉलेज के लिए काफी काम में आएगा। जैसे साइन थीटा है, यहां है प्रांत, यहां है इसका परिसर, यहां प्रांत है इसका, यहां पे क्या है परिसर। तो साइन थीटा इसका जो प्रांत होगा वो कहां से कहां तक होगा, और इसका जो परिसर है वो कहां से कहां होगा। तो थीटा का मान आप कुछ भी रख सकते हो, इनपुट यहां पे कुछ भी दे सकते हो, तो थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैंने मतलब वास्तविक संख्या है, लेकिन इसका जो मान आएगा आपका वो कहां से कहां तक आएगा, माइनस एक से एक, वो टेबल में देखा होगा आपने, जीरो से लेके 360 तक आपने वैल्यू निकाली थी क्लास 11th में, जीरो से लेके 360 उसके ऊपर भी आपने कोण निकाले थे। तो कोण निकालने के बाद में जो मान आता था आपका वो माइनस एक से एक के बीच में आता था, और जीरो से 360 और माइनस में भी निकाले थे, ये सारी संख्याएं किसमें आती हैं, वास्तविक संख्या में। तो इनपुट आपने वास्तविक संख्या दिया, आउटपुट आपका क्या आया माइनस एक से एक के बीच की वैल्यू आई, और माइनस एक भी आया और एक भी आया, इस बड़े वाले कोष्ठक का मतलब ये होता है आपका। अब आता है आपका कोस थीटा, कोस थीटा में भी मतलब थीटा वही वास्तविक संख्या होगी आपकी, लेकिन इसका जो मान आएगा वो माइनस एक से एक के बीच में आएगा। साइन कोस के बाद में आता है आपका टेन थीटा, साइन कोस के बाद में आपका जितना आता है टेन, तो टेन थीटा में आप इनपुट क्या लोगे आप, ठीक है। तो टेन का देखो जो तो मान है आपका टेन जीरो का मान कितना होता है जीरो, टेन बीस का मान एक बटे रूट तीन, पैंतालीस का मान एक, साठ का मान होता है रूट तीन, नब्बे का मान कितना होता है अनंत, अनंत में मतलब क्या फलन आपका परिभाषित नहीं होगा।
90 का मतलब रेडियस में पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 के जो मल्टीपल होंगे आपके गुणज होंगे, ठीक है, उन पे ये फलन परिभाषित नहीं हुआ, वो आप इनपुट नहीं ले सकते, तो प्रांत में से आपको ये वाला मान क्या है हटाना होगा। तो थीटा किससे संबंधित होगा, यहाँ पे आर में से माइनस करेंगे क्या 2n+1 पाई बाय 2, मतलब विषम गुणज, पाई बाय 2 के क्या है विषम गुणज आपको क्या करने हैं हटाने हैं, यानी ये वाले मान पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2, 5 पाई बटे 2, 7 पाई बटे 2 ये मान नहीं ले सकते आप, क्यों, इस पे फलन का मान कितना हुआ अनंत हो जाएगा, इसीलिए इनपुट नहीं लेते। ये n आपका क्या है पूर्णांक है, और इसका जो मान आएगा आपका क्या आएगा अनंत आएगा आपका परिसर को, परिसर क्या आएगा आपका वास्तविक संख्याओं का सूत्र, क्यों अनंत तक मान जाता है इसका भी, माइनस अनंत से अनंत के बीच का मान आता है, इसीलिए परिसर आपका क्या हुआ आर, से कोण थीटा है, कोण थीटा में मतलब जीरो का अनंत हो जाता है, कोण जीरो का मान कितना हो जाता है अनंत हो जाता है, तो जीरो या पाई के गुणज आप हटाएंगे यहां से आर माइनस 2n पाई, एन संबंधित है जड़ से, तो बगल पाई के है आपके जो गुणज है उनको आपको हटाना है, और इसका जो रेंज आएगा वो आपको क्या आएगा परिसर कितना आएगा आर साइन कोस टेन कोस फिर सेक सेम टू सेम टेन, क्यों इसी में पाई बाय 2 के गुणज पे जीरो होगा आपका, तो थीटा संबंधित है आर माइनस 2n+1 पाई बाय 2, और इसका जो परिसर होगा माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 1 से अनंत, तो वे अनंत आता ना आपका इसमें, यानी ये माइनस 1 माइनस अनंत से माइनस 1 का बीच का मान और 1 से लेके अनंत का अनंत आएगा आपका, माइनस 1 से 1 के बीच का मान इसके अंदर नहीं आएगा, आता है क्या सेट के टेबल में देख लीजिए आप, ठीक है, सेट जीरो का मान कितना होता है आपका, सेट जीरो का मान आपका ये हो गया आपका, फिर सेट 30 डिग्री का मान आपका कितना होगा 2, ठीक है, फिर आपका जो उसका मान रूट 2/1 और फिर आपका कितना आता है 2/√3 आता है, ठीक है, तो ये होगा ये जो मान है वो माइनस 1 से 1 के बीच के हैं, तो ये वाले मान नहीं आएंगे, ठीक है ना, इनपुट में आपके ये वाले मान सॉरी मतलब क्या है माइनस 1 से 1 के बीच के नहीं है, इससे आगे के हैं, माइनस 1 से कम है और 1 से ज्यादा मान है, तो इसीलिए जो सेक का जो प्रेशर है वो माइनस 1 से 1 के बीच नहीं आएगा। फिर कोसेक थीटा कोट का ही थीटा किससे संबंधित होगा आर माइनस 2n पाई, परिसर इसका यही होगा तो ये बाउंड्री, ये तो आपका फिक्स होता है इसका प्रांत और परिसर, अब जो प्रतिलोम होंगे तो ये परिसर तो आपका बन जाएगा प्रांत, प्रतिलोम में ये तो बन जाएगा आपका प्रांत, लेकिन जो परिसर होगा इसका प्रतिलोम फलन का साइन इनवर्स का कोस इनवर्स का टैन इनवर्स का वो प्रांत आपका क्या कर देंगे इनमें फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो वो आपको टेबल दे रखी है, तो आपको मतलब क्या आना चाहिए इनके जो प्रांत और प्रेशर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट तो मतलब थोड़ा सा आपको आना चाहिए इसका, क्योंकि आगे मतलब कंपटीशन के लिए भी ठीक है, अब ट्वेल्थ में तो चलो काम चल जाएगा, इसमें जो एक्सरसाइज प्रश्नावली है आपकी ठीक है वो इन पे लिंक नहीं है, लेकिन और इसका जो टेबल है वक्र है वो वक्र भी आप बुक से देख के अच्छे से मतलब क्या है तैयार करना। नेक्स्ट है प्रतिलोम वर्गीय फलनों का मुख्य मान, तो इनका मुख्य मान पे क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज पे जो कॉन्सेप्ट पहला ही है वो उसके मुख्य मान पे कॉन्सेप्ट है, तो मुख्य मान होता क्या है थीटा का वह धनात्मक या ऋणात्मक मान जो समीकरणों साइन थीटा बराबर है
कोस थीटा बराबर एक्स आदि को संतुष्ट करें। तो धनात्मक या ऋणात्मक मान तो समीकरणों का मतलब क्या है, इनको संतुष्ट करो। मतलब जैसे साइन थीटा बराबर एक बट्टे दो है तो थीटा का मान क्या होगा कि मतलब एक बट्टे दो यानी थीटा मान 30 डिग्री होगा। तो इससे जो मुख्य मान है वो एक मुख्य शाखा के बीच में ही आएंगे आपके प्रतिलोम वर्ग के फलनों के, तो वो मुख्य शाखा क्या होती है जैसे साइन मुख्य जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात की जाए साइन इनवर्स एक्स का जो मान कोण का मान आएगा माइनस 90 से 90 के बीच में आएगा, कोस इनवर्स एक्स का मान आएगा 0 से पाई के बीच में आएगा, टैन इनवर्स एक्स का जो मान आएगा उसको ओपन कर दीजिए साइन वाले को माइनस पाई बटे 2 से, इसमें बंद है कोष्ठक इसमें खुला है ठीक है ना, साइन कोस टैन फिर कोट इनवर्स एक्स में कोस को ओपन कर दीजिए मतलब 0 से पाई, कोट के बाद सेक इनवर्स एक्स में, सेक इनवर्स एक्स में मतलब ये आपका मान आएगा 0 से पाई लेकिन 90 का एमएन हो जाता है तो 90 हटा देंगे, 0 से पाई के बीच में 90 हट जाएगा आपका, और लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स है तो इसका मान साइन वाला ही आएगा लेकिन कोसेक 0 का मान अनंत होता है तो इसीलिए 0 को यहां से हटा देंगे। साइन इनवर्स एक्स का मान माइनस 90 और 90 हो सकता है और इसके बीच में हो सकता है कोण का मान, कोस इनवर्स एक्स का 0 हो सकता है पाई हो सकता है और इसके बीच का मान हो सकता है, टैन इनवर्स एक्स का माइनस 90 से 90 के बीच में हो सकता है माइनस 90 और 90 नहीं हो सकता, कोट में 0 से पाई के बीच में, सेक में 0 से पाई लेकिन 90 पे अनंत हो जाता है तो 90 हटा दिया, यहाँ कोसेक में मतलब 0 पे अनंत हो जाता है तो साइन वाला मान है ठीक है लेकिन 0 नहीं होगा। ओके अब इस मुख्य मान पे घर्षण करते हैं, जैसे सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक के लिए साइन का जिसमें माइनस के भी मान आए प्लस के भी, साइन में टेन में और कोसेक में, इन तीनों के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक कॉन्सेप्ट होगा आपका। ओके तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, यहां लिखा मैंने साइन थीटा, थीटा के जो मान है आपके 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 वो टेबल बना रहा हूं, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1 बटे 2, 45 का 1 बाय रूट 2, 60 का रूट 3 बटे 2 और पाई बटे 2 का 1 ठीक है। अब प्रश्न जैसे पूछा जाता है आपसे कुछ बना प्रश्न मतलब कुछ बना लिया उसे, जैसे साइन पाई बाय 6 का मान कितना है 1 बटे 2, साइन बाई 30 का मान 1 बटे 2 है तो ये साइड आएगा तो साइन इनवर्स 1 बटे 2 बराबर पाई बटे 6 इसी तरह आ गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया साइन इनवर्स 1 बटे 2 का मुख्य मान क्या होगा, आपने तो इजीली बता दिया यहां पे लेकिन वहां पे आपको क्या है तरीके से निकालना होगा इसको, तो वो देखिए तो माना साइन इनवर्स 1 बटे 2 को मैंने मान लिया थीटा, इस साइड जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो गया 1 बटे 2 और 1 बटे 2 आपको साइन में देखना है किसका मान होता है, वो होता है साइन पाई बटे 6 का, साइन में साइन में आप थीटा का मान आ गया आपके पास पाई बटे 6, तो पाई बटे 6 आपको देखना भी है उस शाखा में आ रहा है क्या मुख्य शाखा में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में मतलब आ रहा है बिल्कुल माइनस 90 से 90 के बीच में तो संबंधित है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओके तो एक तो तरीका ये होता है और एक आगे जो गुणधर्म पढ़ाऊंगा ठीक है तब भी मैं बताऊंगा मतलब उस गुणधर्म से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अभी आपको गुणधर्म नहीं मालूम है अपने वो 11 का जो कॉन्सेप्ट है वो ही काम में लेना है,
तो उस कॉन्सेप्ट से मतलब आपको ऐसे मुख्य मान निकालना है। तो प्लस में आप इसीलिए निकाल सकते हो जैसे साइन इनवर्स एक बटे रूट दो, कितने क्वेश्चन बन गए, एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन बन गए इसीलिए। साइन इनवर्स एक बटे रूट दो, साइन इनवर्स रूट तीन बटे दो, साइन इनवर्स वन हो गया, साइन इनवर्स जीरो हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से टेन में निकालना है, इसी तरीके से कोसेक में, प्लस वाले में यही कॉन्सेप्ट आपका यूज में आएगा। तो पांच छह छह बारह छह थी 18 क्वेश्चन इसके हुए आपके, ठीक है। अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, माइनस में आ जाए यहां पर, क्योंकि यहां पे ये माइनस लगा दिया। तो माइनस में क्या करना होता है, कोई साइन वर्स माइनस एक बटे दो बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर माइनस एक बटे दो, और माइनस एज इट इज है ये साइन फाइव बाय सिक्स की वैल्यू होती है साइन तीस की। अब आगे क्या करना होता है देखिए, ये माइनस हटाओगे आप, तो माइनस हटाने के लिए आप चतुर्थांश देखोगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। साइन माइनस किसमें होता है, इसमें और इसमें, तो यहां पाई आता है, यहां जीरो आता है, यहां टू पाई आता है। अब साइन का जो मुख्य इनवर्स का मुख्य मान होता है माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में, तो पाई से ज्यादा तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ज्यादा आएगा मान, और दो पाई से भी कम लेते हो आप, जैसे दो पाई से कम मैंने लिया माइनस पाई बाई सिक्स, तो छह दूनी बारह, बारह में से गया ग्यारह पाई बाई छह, पाई बाई छह का मतलब तीस, ग्यारह की तैतीस, 330 डिग्री आ रहा आपका। तो ये भी मतलब दो पाई वाला भी है, तो ऑप्शन बचा अपने पास जीरो वाला, जीरो से घटाओगे पाई बाय सिक्स को तो माइनस पाई बाय सिक्स ही बचेगा, और माइनस पाई बाय सिक्स मतलब माइनस तीस किसके बीच में आ रहा है, माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर, ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इस माइनस साइन थीटा की लिखना है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस का पाई बाय सिक्स हो जाएगा आपका, साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर आ जाएगा माइनस पाई बटे छह, संबंधित होता है माइनस नब्बे से नब्बे के बीच। तो इसमें टैन में भी कोसेक में भी यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, यानी कि माइनस टेन थीटा हुआ था उसकी जगह क्या लिखोगा, टेन माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा हुआ था कोसेक माइनस थीटा, यानी कि सिंपल सा पट्टा बना लीजिए, माइनस क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट तीन में हो गया, बाकी तीन में देखो, बाकी यहां का कोस थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। तो प्लस वाला फंडा का आपका सेम टू सेम, माइनस का फंडा बता देता हूं आपको, जैसे कोस इनवर्स माइनस एक बटे रूट दो का मान याद करना है, तो वही माना कोस इनवर्स माइनस एक बटे रूट दो बराबर थीटा, और कोस थीटा बराबर हो गया माइनस एक बटे रूट दो, कोस थीटा बराबर आ गया माइनस ये कोस, माइनस का माइनस है, एक बटे रूट दो होता है कोस 45। अब कोस नेगेटिव किसमें होता है भैया, ये इसमें होता है और इसमें होता है, यहाँ होता है पाई। अब मुख्य मान जीरो से पाई के बीच में होता है, जीरो पाई होता है आपका, तो पाई से ज्यादा लेने का तो कोई चांस नहीं, ऑप्शन अपने पास सिर्फ एक बचा है, पाई से माइनस करके लिखिए, यानी कोस पाई माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस का कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा इधर मैंने लिखा कोस पाई माइनस थीटा, चार पाई माइनस पाई कोस तीन पाई बाई चार, कोस से कोस गया, थीटा का मान आ गया तीन पाई बटे चार, और ये संबंधित होता है जीरो से पाई के बीच में, तीन पाई बटे चार आता है जीरो से पाई के बीच में, बिल्कुल आता है। तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया इसका कोस इनवर्स माइनस एक बटे टूट दोगा। तो यहाँ उसमें वो माइनस अंदर लेके जा रहे थे, इसमें माइनस हटा के क्या करना है, पाई से माइनस करना है,
ये फंडा लगा ली, क्यों करना है ये मैंने रीजन बता दिया आपको। तो कोर्ट में कुसैक में ऐसे ही करने हैं। तो मुख्य मान के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं इस प्रश्नमाला में और उदाहरण में, ठीक है, ओके।